15. Average velocity of a particle is in projectile motion between its starting point and the highest point of its trajectory is. चलिए देखिए, देखते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी की. एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन बिटवीन इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इज. एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो यहां से फेंका गया है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट और यहां से यहां तक जाने में टाइम. तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमें एच, एच मैक्स पता है और ये आर बाई टू का स्क्वायर करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करने वाले हैं, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस, ये निकालने के लिए पाइथागोरस, ये हाइपोटेनस जैसा है. ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, एच मैक्स, एच मैक्स का स्क्वायर कितना होता है, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी का स्क्वायर प्लस आर बाई टू, यानी कि यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी का स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट है. और टाइम कितना हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी. देखिए आगे की बात करते हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी. और हाँ एक चीज गलती हो गई यहाँ पे थोड़ी सी, ये पूरा रेंज नहीं लेना है, आधी रेंज लेनी है, आर बाई टू था ये, तो ये आर बाई टू हो गया. ठीक है, तो ये टू और इसका स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट था. आप यहां से देखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि वन बाई टू जी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू जी का स्क्वायर, टू जी का स्क्वायर एज इट इज टू जी निकल आया बाहर, अंदर क्या बचेगा, यू, अच्छा यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर का स्क्वायर, यू स्क्वायर का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर भी बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा, साइन का पावर फोर थीटा प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूंगा, यू स्क्वायर बाई टू जी, यहां से क्या निकाला, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ फोर कॉस स्क्वायर थीटा. देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं बाहर निकाल दूंगा तो क्या मिलेगा, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन टू जी अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया प्लस ऑफ थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट है. अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन टू जी अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यू साइन थीटा अपॉन जी. यहां से समझ में आया, यू बाई टू वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आगे चलते हैं,